हेलो फ्रेंड्स आज हमारे पास दो क्वेश्चन है वो क्या है बेसल फंक्शन पे बेस्ड है तो दोनों ही क्या है हमारी इंटीग्रल प्रॉब्लम है तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल जीरो टू वन यू जे नॉट ऑफ एक्स यू डिवाइडेड बाय वन माइनस यू स्केर होल पावर हाफ इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यू ये हमारे किसके बराबर आना चाहिए साइन एक्स बाय एक्स पहले फर्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो फर्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमको जे एन एक्स पता होना चाहिए ठीक है तो मैं फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं वी नो अब जे एन एक्स को मैं क्या लिख रहा हूं सीरीज की फॉर्म में लिख रहा हूं तो जे एन एक्स मेरे पास क्या होता है एक्स की पावर एन टू की पावर एन गामा ऑफ एन प्लस वन वन माइनस एक्स स्केर टू स्केयर वन फैक्टोरियल एन प्लस वन प्लस एक्स की पावर फोर <coughs> आपने इतना याद रखना अगर आप एक्स स्क्र तो नीचे टू स्क्वायर लिखेंगे यहाँ एक्स की पावर फोर लिखना तो मुझे क्या लिखना है? टू की पावर फोर टू फैक्टोरियल एन प्लस वन एन प्लस टू माइनस अप टू तो सो अब देखो हमको क्या चाहिए जे नॉट मतलब एन की जगह पे जीरो कर दे तो जे नॉट एक्स हमारा क्या आएगा अब देखो एक्स की पावर जीरो होगा विच इज व टू की पावर जीरो होगा विच इज अगेन वन नीचे क्या आ जाएगा वन बाय गामा ऑफ वन गामा ऑफ वन भी वन होता है तो वन माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्केर इंटू वन अब देखो एन को जीरो रखा तो यहां क्या मिलेगा मुझे वन मिलेगा प्लस एक्स की पावर फोर अब देखो टू की पावर फोर है दैट मीन क्या आ गया मेरे पास सिक्सटीन आ गया इंटू टू फिक्टोरियल हो गया तो चाहो तो लिखना चाहो तो नहीं तो एज इट इज लिख लो एन को जीरो करेंगे तो वन मिलेगा एन को जीरो करेंगे यहाँ पे तो टू मिलेगा ठीक है माइनस अप टू सोन तो हमारे पास क्या आ गया एक्चुअल में ये गामा ऑफ वन नहीं होता है तो क्या आ गई जे नोट इज वन माइनस एक्स स्केर बाय टू सॉरी बाय फोर प्लस एक्स की पावर फोर अब देखो यहां सिक्सटीन थर्टी टू और ये कितना बन गया सिक्सटी फोर माइनस अप टू सोन ये हमारा क्या था जे नोट ऑफ अब देखो हमको क्या चाहिए जे नॉट ऑफ एक्स यू चाहिए तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या कर देना हमने यू को रिप्लेस कर देना हमारे पास क्या यू नॉट एक्स यू वन माइनस एक्स स्केर यू स्केयर बाय प्लस एक्स की पावर फोर यू की पावर फोर डिवाइडेड बाय सिक्सटी फोर माइनस है इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है इस वाले इंटीग्रल को तो हमने क्या किया इंटीग्रल जीरो टू वन क्या है जी यू जे नॉट ऑफ एक्स u डिडेड बाय वन माइनस यू स्केयर होल पावर वन बाय टू टी यू अब क्या करते वैल्यू सब्सिट्यूट x x, कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ गया इंटीग्रल जीरो टू वन u वन माइनस यू स्केयर इसकी होल पावर क्या है वन बाय टू और j नॉट x u की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं वो क्या है हमारे पास सीरीज है तो सब्सिट्यूट कर देते हैं तो क्या आ गया वन माइनस एक्सकेयर अर बाय फोर प्लस एक्स की पावर फोर यू की पावर फोर डिवाइडेड बाय सिक्सटी फोर माइनस अप टू फोर क्या आ गया साथ में आएगा डी अब हमने क्या किया इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए मैंने किया पुटिंग यू इक्वल टू थीटा सॉरी यू इक्वल टू साइन थीटा दिस मींस डी यू क्या आ गया हमारे पास कॉस थीटा t थीटा अब देखो लिमिट क्या है जीरो वेन यू अप्रोचेस टू जीरो अगर यू जीरो होगा तो थीटा कहां में जाएगा थीटा ऑल्सो अप्रोचेस टू जीरो जब थीटा क्या हो जाए हमारा पाई बाय टू हो जाए तो थीटा किसको अप्रोच करें पाई बाई टू तो सब्सिट्यूट कर देते हैं ना इसमें तो क्या आ गया इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू और यहां पे मेरे पास क्या आ गया यू की जगह पे क्या आ गया साइन थीटा अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा वन माइनस यू स्केयर मीन्स वन माइनस साइंस स्केयर थीटा वन माइनस साइंस स्क्र थीटा क्या होता है मेरे पास कॉस्केयर थीटा तो कॉस्केयर थीटा इसकी होल पावर क्या आ गई वन बाय टू आ गई प्लस सॉरी इंटू वन माइनस एक्स स्क्र एज इट इज यू स्क्र की जगह पे क्या आ गया साइंस स्क्र थीटा बाय फोर प्लस क्या हो गया एक्स की पावर फोर साइन की पावर फोर 64 माइनस अप सो अब देखो की जगह पे क्या आ जाएगा थीटा, थीटा अब देखो से ये कैंसिल हो गया तुम्हारे तो पास पास थीटा बचा और थीटा किसके साथ कैंसिल हो जाएगा ये तो अब इंटीग्रल को मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे तो पास क्या आ गया जीरो टू पाई बाय टू साइन थीटा डी थीटा माइनस अब देखो इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू तो थीटा दैट मीन एक्स इज कांस्टेंट तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं तो क्या आ गया जीरो से पाई बाय टू साइंस अब ये साइन भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा टी थीटा प्लस एक्स की पावर फोर बाय सिक्सटी ये इंटीग्रल से बाहर हो गया जीरो टू पाई बाय टू साइन अब देखो ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मीन इसकी पावर में एक इंक्रीज हो जाएगा डी थीटा माइनस अप टू सो ठीक है अब देखो इसको तो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस कॉस थीटा जीरो टू पाई बाय टू माइनस एक्स स्क् बाय फोर जीरो टू पाई बाय टू साइन क्यूब थीटा डी थीटा प्लस एक्स की पावर फोर सिक्सटी फोर जीरो टू फाइव बाय टू साइन की पावर फाइव टीटा टी टीटा माइनस अप टू सो ठीक है तो अब जब यहां देखो नेगेटिव आ रहा है तो शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है पहले लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दो ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस जीरो वन ठीक है अब कोस पाई बाय टू रखोगे तो वो हमारे पास क्या होगा जीरो ही होगा तो मेरे पास क्या आ गया वन माइनस एक्स स्क् बाय फोर जीरो टू पाई बाय टू साइन क्यूब थीटा डी थीटा प्लस एक्स की पावर फोर बाय जीरो टू पाई बाय टू साइन की पावर फाइव थीटा डी थीटा माइनस अप टू सो ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां पे रिडक्शन फार्मूला यूज करेंगे रिडक्शन तो फार्मूला क्या है अगर जीरो टू पाई बाय टू मेरे पास लिमिट है और साइन रेस टू पावर एन थीटा डी टीटा दिया एन मेरे पास क्या है एन इज ए पॉजिटिव एंडीजर एंड मेरे पास क्या है पॉजिटिव है तो क्या होता है ये फिर क्या करते हैं इसमें से टू माइनस करते हैं देखो एन माइनस वन में टू माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एन माइनस थ्री फिर इसमें से टू अगेन माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा एन माइनस फाइव ऐसे ही चलते जाएंगे ऑन डिमिनिशिंग बाई टू सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या करना पहले एन लिख लेना फिर क्या करना इसमें टू माइनस कर देना एन माइनस टू फिर क्या करना इस वाली टर्म में टू माइनस कर देना तो एन माइनस फोर अगेन गोन डिमनिशिंग बाय टू ठीक है ये जो ऊपर लिखा है गोन डिमनिशिंग बाय टू वही नीचे है. और साथ में इन टू फाइव बाय टू इफ एन इज एवन एन डीचर ठीक है इवन एंडीजर यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर तो इवन पॉजिटिव इंटीजर एन लेंगे अदरवाइज नो पाई बाय अगर एन मेरे पास ओड एंडीजर आ गया तो कोई पाई बाय टू मल्टीप्लाई नहीं होगा ठीक है तो इसी फार्मूले को लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे ऊपर वाला जो इंटीग्रल है यही इंटीग्रल है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं हम ठीक है इस इंटीग्रल को हम सोल्व कर रहे हैं। है, तो अब देखते हैं क्या क्या आता इक्वल टू पहली वाली टर्म तो मेरी वन अब यहां पे देखो पावर कितनी आ रही थ्री थ्री क्या इंटीज मतलब पाई बाई टू मल्टीप्लाई नहीं होगा फार्मूला लगा दें अब देखो क्या होगा थ्री माइनस वन तो हमारे पास क्या आ गया टू आ गया अब देखो नेक्स्ट अगर टू में से टू माइनस करते हैं तो जीरो आएगा मीन्स हमने अगर नेक्स्ट टर्म जीरो या नेगेटिव आ रही हो तो हमने उससे पहले ही टर्मिनेट कर देना तो मतलब हमने यहीं पे फर्स्ट स्टेप पे ही टर्मिनेट कर देना डिनोमिनेटर में क्या आएगा थ्री अब थ्री में से टू जाएगा तो क्या आ गया मेरे पास वन अब नेक्स्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा मीन्स यहीं पे टर्मिनेट कर देना अब ये ऑड इंटीजर आ रहा है तो दैट मीन नो पाई बाय टू नेक्स्ट क्या आ गया प्लस एक्स की पावर फोर बाय सिक्सटी फोर इन टू अब देखो यहाँ पे पावर फाइव आ रही है तो फाइव माइनस वन करोगे क्या आ गया फोर फोर में से टू माइनस करोगे तो टू अगेन टू माइनस टू करोगे जीरो मतलब यहीं पे टर्मिनेट कर देना हम डिनोमिनेटर में क्या आएगा फाइव अब फाइव में से टू माइनस किया थ्री थ्री में से टू माइनस किया वन अब नेक्स्ट टर्म नेगेटिव आएगी मीन्स यहीं पर टर्मिनेट कर देना और ये भी क्या है ओर्ड इंटीजर है मीन्स कोई फाइव बाई टू मल्टीप्लाई नहीं होगा माइनस अप टू सोन तो अब देखते हैं क्या आ गया हमारे पास वन माइनस अब देखो यहां से टू कैंसिल हो जाए तो मेरे पास क्या मिल गया वन टू और थ्री का प्रोडक्ट दैट मीन आई कैन राइट हेयर थ्री फैक्टोरियल ठीक है अब इधर देखो यह एट बनेगा तो सिक्सटी फोर को कैंसिल कर दे तो नीचे क्या आ गया एट आ गया तो मेरे पास क्या आ गया एक्स पावर फोर पहले वन लिख लिया अब देखो एट में से टू ले लिया तो यहां टू आ गया देन थ्री अब देखो यहां फोर बचा है तो यानी फोर आ गया है एट को हम लिख सकते हैं ना टू इन फोर तो टू पहले लिख दिया फोर बाद में लिख दिया फिर क्या आ गया फाइव आ गया ठीक है माइनस अप टू सो अब हमारे पास क्या आ गया वन माइनस एक्स बाय थ्री फैक्टोरियल यहां क्या आ गया एक्स की पावर फोर बाय फाइव फैक्टोरियल माइनस अप टू सो अब देखो साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है एक्स माइनस एक्स क्यू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल फैक्टोरियल तो आ रहा लेकिन ऊपर एक्स नहीं आ रहा तो एक्स बनाने के लिए हमने क्या किया एक्स अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा तो मैंने एक्स मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया इसको इसी तरह लिख दिया सीरीज को अप so. और एक्स इन साइड मल्टीप्लाई कर दिया गया? So. तो ये हमारे पास किसकी एक्सपेंशन बन गई साइन एक्स की तो क्या आ गया साइन एक्स बायस यही हमने प्रूव करना था क्या था जीरो टू वन एक्स यू न माइनस की होल पावर वन बाय टू टी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया अब सेकंड क्वेश्चन में देखो पहले इसको कॉपी कर ले तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे देखो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया ये जीरो से

एन प्लस आर प्लस वन इंटू एक्स बाई टू इसकी पावर क्या होती है एन प्लस टू आर अब देखो यहां पे N हमको क्या चाहिए वन वन तो तो एन को हम क्या क्या कर कर देते है? 1 कर देते हैं हैं तो मेरे पास आ गया वन ऑफ एक्स एक्सन आर वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इनफिनिटी माइनस वन की पावर आर आर फैक्टोरियल अब देखो एन को वन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे गामा ऑफ आर प्लस टू एन को वन रखेंगे तो और इधर क्या है एक्स बाई टू की पावर एन प्लस टू आर अब देखो हमको पता है अगर इफ एन इज पॉजिटिव इंटीज़र तो गामा ऑफ एन प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं एन फेक्टोर ठीक है अब देखो यहां पे क्या है गामा ऑफ गामा ऑफ आर प्लस टू तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आर प्लस वन प्लस वन अब ऊपर वाला फार्मूला लगा दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू आर प्लस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा ये फार्मूला लगाने के बाद ये हमारा पूरा हो गया एन प्लस वन तो क्या एन फैक्टोरियल क्या हो गया एन इक्वल टू आर प्लस वन यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ आर प्लस वन का फैक्टोरियल तो मुझे क्या मिल गया समेशन आर वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर आर फैक्टोरियल और यहाँ मेरे पास क्या मिल गया आर प्लस वन का और यहाँ क्या आ गया? x बाई टू अब देखो n हमने वन रखा था तो यहां पे भी क्या आएगा वन आएगा n की जगह पे वन आएगा तो यहां मुझे क्या करना है? 1 प्लस है अब देखो x की जगह पे क्या चाहिए x की जगह पे क्या चाहिए तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया x को रिप्लेस कर दिया z cos थीटा से ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया समेशन आर वेरिंग फ्रॉम जीरो माइनस वन की पावर आर आर फैक्टोरियल अब देखो इसको भी मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं इसको भी लिख सकता हूं आर प्लस वन और फिर क्या आ जाएगा आर फैक्टोरियल आ जाएगा और इधर क्या आ गया एक्स को हमने किससे रिप्लेस किया जे कॉस्टिटा बाय अब देखो बाय यहां पे टू है तो टू आएगा क्या आ गया वन प्लस

टू आर प्लस वन और साथ में क्या आएगा कॉसा की पावर टू आर प्लस वन और ये आ गया ठीक है अब देखो हमको क्या चाहिए यहां पे, में? इसका इंटीग्रल चाहिए। तो, इंटीग्रेट कर दें। तो हमने क्या किया इंटीग्रेट कर दिया तो इधर क्या आ गया जीरो टू पाई पाई जे वन जेड कॉसा डी थीटा अब ऊपर देख ले यही है ना हाँ यही है ठीक है और इधर जब आप इंटीग्रेट किससे कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो गया मीन्स इंटीग्रल से बाहर आ गया तो हमको क्या मिल जाएगा तो मैं इसको सीधा कॉपी कर लेता हूं लिखने की बजाय तो मैंने इसको कॉपी कर लिया ठीक है तो यहां मैं पेस्ट कर देता हूं ठीक है ये मैंने पेस्ट कर दिया ठीक है अब बच क्या गया हमारे पास क्योंकि तो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट किसके होगा इस थीटा के होगा तो जीरो से पाई बाय टू ये क्या कोस की पावर टू आर प्लस वन थीटा डी थीटा हमने क्या किया इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया अब इसको क्या करते हैं फार्मूला लगा देते हैं रिडक्शन वाला कोस टू आर प्लस वन डी थीटा तो रिडक्शन वाला फार्मूला लगाएंगे पहले क्या आएगा टू आर इसमें से एक माइनस होता है तो माइनस करेंगे तो क्या टू आर ही रह गया नेक्स्ट क्या आएगा टू के साथ इसको माइनस करते जाना टू आर माइनस टू नेक्स्ट क्या आएगा टू आर माइनस फोर अब टू सोन अब ये देखो ये आपके पास क्या इवन इंटीजर है तो यानी लास्ट में आपके पास क्या आएगा फोर इंटू टू ही आएगा क्योंकि इवन है अब नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या आएगा टू आर प्लस वन फिर क्या इसमें से टू माइनस करोगे तो क्या आएगा टू आर अब देखो टू आर प्लस वन में से अब आप टू माइनस करोगे तो इधर क्या मिलेगा आपको टू आर माइनस वन नेक्स्ट क्या आएगा इसमें से अगेन टू माइनस करोगे टू आर माइनस थ्री अब टू सर अब देखो ये क्या है ओड है तो हमको लास्ट में क्या मिलेगा फाइव एंड थ्री मिलेगा ठीक है अब नेक्स्ट हमने क्या किया यहाँ पे फैक्टोरियल बनाने के लिए अब देखो यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है टू आर प्लस वन है तो इसके बाद टू आर मिसिंग है टू आर माइनस वन है तो टू आर माइनस टू मिसिंग है ठीक है तो हमने क्या किया अब नीचे को लिख लिया देखो यहां पे मैं क्या लिख 2r आर प्लस वन साथ में क्या कर दिया टू आर 2r टू आर माइनस वन साथ में क्या कर दिया टू आर माइनस टू ठीक है अब टू आर माइनस थ्री साथ में क्या लिख दिया टू आर माइनस फोर अपू सोन फाइव फिर फोर फिर थ्री फिर टू वन तो लिख ही सकता हूँ वन से पट करने पे कुछ नहीं है मतलब नंबर एज इट इज रह जाएगा अब हम मैंने आप, कौन कौन सी टर्म लिखी अपने आप ये लिखी है ये लिखी है और ये लिखी है ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इनको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अब जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो टू आर इधर भी बन रहा है टू आर माइनस टू ऊपर भी बन रहा है टू आर माइनस फोर भी बन रहा है तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा एक्चुअल में क्योंकि सेम टर्म का प्रोडक्ट होगा जो नीचे आ रही है फोर टू इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यही टर्म हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली टर्म ही आएंगे तो सेम सेम का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्रोडक्ट के, के केस में अब देखो ऊपर वाली टर्म में ऊपर वाली टर्म में अगर मैं टू कॉमन करता हूँ देखो तो टू कॉमन करते हैं इधर से तो टू यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ से भी कॉमन आएगा यहाँ से भी कॉमन टू कितने टाइम्स कॉमन आएगा आर टाइम्स तो मुझे क्या मिल गया टू की पावर आर टाइम्स कॉमन आ गया अब इसको पहले लिख रहा हूँ फिर क्या आ गया वन फिर टू अप टू सोन देन ये टर्म आएगी क्या आएगा आर आग आग माइनस टू फिर ये आएगा क्या आ गया आर आग माइनस वन फिर ये आएगा क्या आ गया आर आ गया ठीक है जी ये आ गया मेरे पास अब इसका क्या है स्वेयर अब डिनोमिनेटर में देखो किसका फैक्टोरियल बन रहा है डिनोमिनेटर में क्लियरली टू आर प्लस वन का फैक्टोरियल बन रहा है ठीक है अब इसको भी हम किस तरह ये वाला पूरा क्या बन रहा है ये आर फैक्टोरियल बन रहा है ऊपर से क्या हो रहा है पूरे का स्क्यर है तो मेरे पास क्या आ गया टू की पावर टू आर स्क्वेयर होने के बाद आर, आर फैक्टोरियल का स्क्यर और डिनोमिनेटर में क्या आ गया टू आर प्लस वन का फैक्टोरियल अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू जे वन जेड कॉस थीटा डी थीटा तो देखते हैं क्या क्या टर्म आई है कॉमन तो देखो एक तो ये वाली टर्म आएगी कॉमन तो मैं इसको फिर अगेन कॉपी कर लू सही से नहीं हुई कॉपी ये मैंने करती पेस्ट ठीक है जी इसको पहले बंद कर दें तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई ठीक है ये वाला पोर्शन आ गया ठीक है अब नेक्स्ट क्या है जो हमने सॉल्व किया तो उसके बाद क्या है इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ रही है ये आ रही है तो यहाँ सब्सिट्यूट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा इनटू 2 की पावर 2 और फिर क्या आएगा r फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r 1 का फैक्टोरियल अब देखो r फैक्टोरियल का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया ठीक है अब देखो हमारे पास क्या आ गया इसको सॉल्व करने के बाद समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू माइनस वन की पावर r और क्या आएगा z की पावर 2r 1 अब डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा r 1 अब देखो ये जो टू की पावर नीचे आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा टू आर प्लस वन माइनस टू आर ठीक है और क्या आएगा ये वाला फैक्टोरियल टू आर प्लस वन का फैक्टोरियल तो टू आर के साथ टू आर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया वेरिंग फ्रॉम जीरो माइनस वन की पावर आर जेड की पावर टू आर प्लस वन डिवाइडेड by टू टाइम्स ये टू आएगा फिर क्या आएगा आर प्लस वन और इधर क्या मिलेगा मुझे टू आर प्लस वन का फैक्टोरियल अब क्या करते हैं इस समेशन को एक्सपेंड कर लेते हैं तो जब आर जीरो होगा तो मुझे में क्या मिलेगा ये वन हो गया यहां मुझे मिल गया जेड और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा टू आ गया और फिर क्या आएगा वन आएगा अब देखो आर यहां जीरो होगा तो वन फैक्टोरियल मीन वन फिर क्या आर को वन करेंगे तो माइनस आ गया क्या आएगा जेड की पावर देखो आर को वन किया तो जेड की पावर थ्री मिलेगी डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा टू और यहां से भी हमने आर को वन किया तो क्या मिल गया टू और यहां आर को वन किया तो क्या मिलेगा थ्री फैक्टोरियल फिर क्या होगा प्लस आर को हमने टू जब किया तो ये तो पॉजिटिव हो गया तो इधर क्या मिलेगा जेड की पावर फाइव अब देखो नीचे क्या मिलेगा टू अब आर को हमने टू तो सब्सिट्यूट किया तो मिलेगा थ्री टू सब्सिट्यूट किया तो मिलेगा फाइव ये फाइव फैक्टोरियल माइनस अप टू सो अब देखो ये क्या बनेगा फोर बनेगा ये क्या बनेगा सिक्स बनेगा तो इसको देखो ये क्या थ्री फैक्टोरियल इंटू फोर आ रहा है तो यानी इसको मैं लिख सकता हूं टू फैक्टोरियल माइनस एड क्यूब इसको क्या लिख सकते हैं हम फोर फैक्टोरियल आ गया प्लस इसको क्या लिख सकते हैं सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल है तो हम इसको लिख सकते हैं सिक्स फैक्टोरियल माइनस अप टू फोर अब लेकिन हमको प्रूव क्या करना है कि ये जो चीज है ये किसके बराबर है वन माइनस कॉजेड बाय जेड लेकिन हमारा तो कुछ ऐसा आ नहीं रहा ठीक है तो हम क्या करते हैं रफ में देखते हैं क्या प्रूव करना है कॉजेड बाय जेड ठीक है सॉरी वन माइनस कॉस जेड ये हमने प्रूव करना है तो इसको मैं लिख सकता हूं वन बाय जेड माइनस वन बाय जेड इन कॉस जेड अब कॉस जेड की एक्सपेंशन सब्सिट्यूट कर दे तो क्या आ गया यहां मुझे मिलेगा वन माइनस जेड स्क्र बाय टू फैक्टोरियल जेड की पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर सिक्स बाय सिक्स फैक्टोरियल अप टू सो ठीक है अब देखो वन बाय जेड जब मल्टीप्लाई होगा तो मुझे यहाँ मिल गया वन बाय जेड फिर क्या मिलेगा नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव क्या एक जेड कैंसिल हो जाएगा जेड बाय टू फैक्टोरियल मिल गया फिर नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा जेड क्यू बाय फोर फैक्टोरियल फिर नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव जेड की पावर फाइव नीचे क्या आ जाएगा सिक्स फैक्टोरियल फिर क्या होगा माइनस अप टू सोन अगर आप देखो तो ये देखो ये तीन टर्म आ रही है ये वाली टर्म यहाँ भी आ रही है हमको क्या चाहिए वन बाय जेड और माइनस वन बाय जेड किया तो हमने क्या किया वन बाय जेड अपनी तरफ से ऐड कर दिया तो अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो हमको माइनस भी करना पड़ेगा तो बाकी टर्म्स क्या आ गए जेड बाय टू फैक्टोरियल माइनस जेड क्यू बाय फोर फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर फाइव बाय सिक्स फैक्टोरियल माइनस अप टू सोन तो ये हमारे पास किसको सॉल्व करके बना इसको तो क्या आ गया वन माइनस z बाय जेड तो ये हमारा आंसर आ गया तो आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अगर आपको ये वीडियो लग, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर